बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24x9। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूं अबू मुअज्जम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल, आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ जिस तरह से आज है अप्रैल और अप्रैल की 14 तारीख, 14 तारीख को ये एक्सपेक्टेड था। मुझे लगा कि 13 ही शायद, लेकिन मैंने कहा नहीं, 14 हो चुकी है, क्योंकि 14 से लॉकडाउन इंक्रीज होने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसलिए मैं अब कंफ्यूज हूँ कि कल से अब क्या होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होना बनता नहीं है, आप डेली दफ्तर आ रहे हैं, जो लोग घर बैठे हैं असल में वो कंफ्यूज हैं कि कल दफ्तर जाना है नहीं जाना। हम लोगों को क्या बताएं कि आप ना जाएं, खुलेगा नहीं खुलेगा, मतलब एंड टाइम तक गवर्नमेंट ने शायद ये रिजर्व कर लिया ऐलान की लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ज़राए के मुताबिक तो बढ़ने के इम्कान। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद एक पेज पर लाने के लिए, क्योंकि तमाम जो सूबे हैं उनको और साथ विफाक एक पेज पर लाने के लिए थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन आज फाइनली हो जाएगा डिसाइड, क्योंकि 14 अप्रैल है और उन्होंने कहा था कि 14 अप्रैल से हम डिसाइड कर लेंगे, तो आज से डिसाइड प्रॉब्ली ये बढ़ जाएगा। और अभी ये कहा जा रहा है कि मजीद शायद एक हफ्ता जो उसमें लॉकडाउन में इजाफा करना नागजीर है, और आई थिंक जब ये हो जाएगा तो फिर अनाउंस भी कर दिया जाएगा। बट स्टिल इट्स कंफ्यूजिंग, मेरे लिए तो इतना नहीं है क्योंकि मुझे तो कल भी ऑफिस आना है, मुझे तो परसों भी आना है और आपसे मुलाकात करनी है, लेकिन जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट आई एम सीरियसली डिसअपॉइंटेड कि लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना कोई प्रोटोकॉल्स हैं, ना कोई एसओपीज फॉलो किए जाने। आप यकीन करें, आज सुबह मैं दफ्तर आ रही थी और एक सड़क ऐसी थी जहां शदीद किस्म का रश था, और व्हाट वाज द टाइम, 7:30-8 बजे का टाइम था। अगर उस टाइम पर इतना रश है तो पूरा दिन जो है वो लोग कितना बाहर निकलते हैं, कितना लॉकडाउन को फॉलो करते हैं, ये एक अलग अलमिया बन जाता है। और शायद इसीलिए जो आपने जिक्र किया ना कि रश बहुत ज़्यादा, इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने लॉकडाउन को सही तरह फॉलो किया होता तो शायद ये दिन आज जो होता हमें ओपन इसको लेके जाना पड़ता, क्योंकि अगर कंट्रोल हो जाता कोरोना। लेकिन अभी भी लॉकडाउन की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर लोगों ने फॉलो नहीं किया। चलें जी, इसी के साथ हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं प्रोग्राम में हम क्या क्या बातें करेंगे आपसे। वफाकी हुकूमत और सिंध सरकार फिर आमने सामने। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं वफाकी हुकूमत सुस्त रवि से फैसले कर रही है। लॉकडाउन में तौसी का फैसला आज होगा, मुल्क में यकसां पॉलिसी बनेगी, वजीर आजम ने वजीर आला सिंध की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तानी साइंसदानों का कोरोना की दवा बनाने का दावा, दाऊ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना के इलाज के लिए इंट्रावेंस इम्यूनोग्लोबिन तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान में 5,707 कोरोना केसेस, 96 अफराद जान की बाजी हार गए। सुप्रीम कोर्ट कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी पर बरहम, जफर मिर्जा ने क्या किया, उनकी क्या सलाहियत है, जफर मिर्जा को अहदे से हटाया जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ओवरसीज से इमदाद की अपील कर दी, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी भाइयों से तावुन मांग लिया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे आज के हम प्रोग्राम का। इससे कबल जैसे हम बात कर रहे थे लॉकडाउन की, वहीं पर कुछ कंफ्यूजन सूबों और विफाक में भी नजर आ रही है, और खास तौर पर जो दो दिन से मुसलसल ये चीज चल रही है वो है सिंध की हुकूमत और विफाक का जवाब। बिल्कुल, जिस तरह से हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस दिखाई थी, सिविल हो ये रहा है कि अगर आपने एक पॉलिसी बना ली होती तो उससे फायदा ये होता कि लोग उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते, चाहे वो इमदाद की पॉलिसी है, चाहे वो लॉकडाउन की पॉलिसी है, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, जो भी आपने करना था वो आपको बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो उसके लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। लेकिन एक पेज पर होना क्योंकि आसान नहीं है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सियासत भी करनी होती है, क्योंकि वो उसके बगैर शायद उनका गुजारा नहीं। बिल्कुल सही, सियासत करनी होती है, लेकिन सियासत में जब आवाम मुतासर होने लगे तो ये समझदारी का मुजाहरा होता है कि आप सियासत को एक साइड पर छोड़ रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलीम बुखारी साहब, ये जो एक रिफ्ट नजर आ रही है सिंध हुकूमत में और विफाक में, कैसा देख रहे हैं आप इसको? कभी विफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर सूबाई वज़रा जवाब देते हैं, कल वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इजलास से पहले की, और काफी तहफ़ुज़ात का इजहार किया, विफाक ताबू नहीं करी, चाहे वो मेडिकल रिसोर्सेज की मद में हो या पॉलिसी मैटर्स में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद सुनी है कल मुराद अली शाह साहब की, उसमें उनका फोकस सारा इस बात पे था कि सिंध ने इस हवाले से अब तक क्या किया है। और आपको याद होगा कि WHO जो है वो तारीफ कर चुका है मुराद अली शाह की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं एज चीफ मिनिस्टर, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो राशन तकसीम करना है,
उन इकदामात को अप्रिशिएट कर चुका है WHO के, जो WHO की सिफारिशात हैं उसके ऐन मुताबिक सिंध में काम हो रहा है। अचानक वो नमूदार होते हैं दो मिनिस्टर, उनके अली अली साहब और फिर वो वाडा साहब जी, और जो उनकी जबान है, जो उनकी लैंग्वेज थी, जो फिर बाकी की कसर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने निकाली है, वो उसको कहते हैं गर्मास डालना या गंद डालना एक सूरत हाल के अंदर। इब्तदा उसकी हुकूमत की तरफ से हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, और उसके बाद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा सुन के देख लीजिए, उसमें सवाए इसके फोकस किया कि हमने अब तक ये किया है और हम विफाक के साथ चलने के लिए तैयार हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को पॉलिसी बनाएंगे तो हम उसके साथ चलेंगे। तो एक तो ये है कि एक सी जिम्मेदारी दोनों पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि सिंध में जो कुछ भी हुआ, मैं ये नहीं कहता कि बहुत आला काम हो गया, बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे होना चाहिए था, लेकिन सिंध में बहुत पहले से वफाक तो बहुत देर तक सोया रहा, सिंध में तो बहुत पहले काम शुरू हो गया था। उसको कर रहे हैं कि पहले इसने कर दिया और विफाक की जानिब से कोई ऐसी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से भी कुछ ऐसा देखा गया, कुछ इमदाद में भी गलतियां की गई हैं, जो राशन तकसीम किए गए उसमें भी गलतियां की गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी तफ़ज़ात का इजहार किया और कहा कि कहीं पर साबित नहीं कर सके कि कहाँ पर राशन तकसीम किए गए, तो ये एक दूसरे पर जो ब्लेम गेम है ये एक तरफ नज़र आ रही है, दूसरी तरफ एक पेज पर ना होना, क्या इतना वक्त था कि इतना ज़्यादा वक्त सियासत को दे दिया जाता? बिल्कुल वक्त नहीं था, और बिल्कुल ये जो वक्त जाया किया गया है 31 दिसंबर से जब से ये वबा फूटी है और फरवरी के पहले हफ्ते में जब ये यहाँ पहुंच गया था, उसके बाद से विफाक साहब सोए रहे हैं को तकरीबन 1.5-2 महीना कोई एक्शन नहीं था, प्राइम मिनिस्टर मुसलसल डिनायल मोड में थे, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन का नुकसान होगा, लॉकडाउन का पूरी दुनिया में जो चीज एक बेहतरीन सोल्यूशन के तौर पे एक्सरसाइज की जा रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज तक उसके ऊपर कन्विंस नहीं है, हत्ता के पंजाब जहां पर उनकी हुकूमत है उसने भी यूनिलैटरली प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन ख्वाहिशात के बरअक्स वो किसने करवाया है उसका शायद अब बहस का वक्त नहीं है कि वो कैसे हो गया लॉकडाउन, कैसे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने समरी जो है वो चीफ मिनिस्टर को इनिशिएट की और फिर उसके ऊपर फैसला होकर लॉकडाउन हो गया, ये सारी बातें तो सामने आने वाले वक्त में आ जाएंगी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये वक्त जो है ये इस बहसो तमीज का, इस लफ्जी जंग का नहीं है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। मेरे ख्याल से मुराद अली शाह की एक बात बहुत मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ, उसने कहा था अभी भी ये कहने के बजाय कि सूबे अपनी अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि एक नेशनल एक्शन प्लान बनाए और सिंध उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार रहेगा, बजाय इसके कि इसको इसकी स्पिरिट में लिया जाए। एक लफ्जी जंग का आगाज हो गया है जो तकलीफ दे है, मतलब है लोगों की जिंदगियां खतरे में है, मईशत का बुरा हाल है, लोगों तक राशन ढंग से नहीं पहुंच रहा, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो ये राशन नहीं पहुंच पा रहा, लोगों को नहीं पैसे मिल पा रहे, ये तो अब बहस शुरू हुई ना। सिंध हुकूमत ने जब सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हुए लॉकडाउन भी कर दिया, बड़े अच्छे काम भी किए जिसका तस्करा आपने भी किया कि WHO ने भी तारीफ की, वफाकी हुकूमत की तरफ से तब भी सिंध हुकूमत की तारीफ नहीं की गई थी, उल्टा तनकीद का निशाना ही बनाया गया था। अब अगर सिंध हुकूमत जो इल्जाम लगा रही है या जो बातें कर रही है कि हमें किट्स नहीं प्रोवाइड की जा रही, नाकिस किट्स प्रोवाइड की जा रही है या हेल्थ रिसोर्सेज में वफाक मदद नहीं कर रही है, इसमें आप क्या समझते हैं कि हद तक सदाकत है, क्या जानबूझ कर किया जा रहा है? देखिए जब आपके पास अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप दूसरों में कीड़े निकालने बैठ जाते हैं, यही कुछ हुआ है। बिल्कुल ईमानदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि सिंध में 100% काम हुआ है, लेकिन दूसरे तमाम सूबों की विफाक के मुकाबले में अगर कहीं काम हुआ है तो वो सिंध है, उसकी तारीफ कर देने में कुछ नहीं बिगड़ता था विफाक का। लेकिन ये लफ्जी जंग शुरू इसलिए कराई गई है कि पंजाब में परफॉर्मेंस बुरी है, KPKI में परफॉर्मेंस बुरी है, बलोचिस्तान में कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन विफाक को ये चाहिए था कि एज ए सेंटर इसकी इकाइयां जो हैं उसको साथ लेके एक नेशनल स्पिरिट के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए था। भाई साहब ने बजा फरमाया कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाता, उसके लिए तमाम जो इदारे हैं वो एक पेज पर होते,
लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो हुआ ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से मामले ख़ुसूसी थे, सेहत जो काम उन्होंने किया, लॉकडाउन हो या फिर इक्विपमेंट हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, जो रिफॉर्म्स लेके आए, जो थोड़े से वक्त में बहुत सा काम किया, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया जाए। आपको लगता है कि अदालत ने तो रिमार्क्स दिए, कोई हुक्म तो अभी जारी नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो ऐसा कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त में बीच मंजार के ऐसे ये पॉसिबल है, या फिर वक्त देना चाहिए ज़फ़र मिर्ज़ा को मज़ीद, और आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है ज़फ़र मिर्ज़ा पर? देखिए, गुजारिश ये है कि फिरदौस आशिक इमरान साहबा, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम ये दावे करते हैं कि अदारे इंडिपेंडेंट हैं, अदलिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हर वो बात जो इससे पहले अदलिया ने की वो तो ठीक थी, अब अदलिया ने अगर क्रिटिसाइज किया है फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को तो उसमें इतनी टीखें क्यों निकल रही है भाई? उसके ऊपर अमल करना चाहिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो सारी ऑब्जर्वेशन है कल की, उसकी अगर आप स्पिरिट को देखें तो वो यही चाह रहे हैं कि हुकूमत को परफॉर्म करना चाहिए था। हुकूमत के पास इतनी बड़ी फौज है और इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं और जो मशीर हैं और जो स्पेशल असिस्टेंट है उनका तो कोई शुमार ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि भाई इतनी बड़ी फौज की आपकी परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा, ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से खासतौर से उनकी बात है कि मैं आप तो नहीं कह रहे ना, ये तो मुल्क का चीफ कह रहा है एक हफ्ता पहले सुओ मोटो एक्शन लेके इनसे सवाल के जवाब मांगे थे और हुकूमत ने किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। जी जी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को अपना एक्ट टुगेदर करना पड़ेगा और किसी न किसी सिंथ में लेके सूबों को अपने साथ चल के तभी आप। सलीम बुखारी साहब, कल के रिमार्क्स में ऑब्वियसली उनकी जो कैपेसिटी है ज़फ़र मिर्ज़ा की और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी जाहिर है क्वेश्चन रेज हुए हैं, और बहरहाल जो अदालत ने कहा कि इनके ऊपर इल्जामात हैं उस बात में तो सदाकत है ना? देखिए, उसमें सिर्फ ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से नहीं है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस वक्त मुल्क जो है वो वजारतों की बजाय मशीरान से और स्पेशल असिस्टेंट से चलाया जा रहा है और मुबैना तौर पर जिनमें मुजरम है, यानी ये खुली डुली बात है, इसके ऊपर गौर वौस करना चाहिए बजाय रिएक्ट करने के। रिएक्ट कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर, कल भी अली जैदी साहब भी कह रहे थे, वाडा साहब भी कह रहे थे, हाँ हम इसको देखेंगे, यानी अपने मामले पर जब बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम देखेंगे। भाई आप कौन होते हैं देखने वाले, आपको उसके ऊपर अमल करना है। लेकिन बुखारी साहब फैसला तो नहीं दिया, रिमार्क्स दिए हैं, एक सजेशन होती है ये, अगर हुकूमत इसे फॉलो करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो हुकूमत की जवाबदेही है, अहकामात जो है वो तो नहीं थे, हुक्म तो नहीं था। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली पेशी के ऊपर आप देखिए क्या होता है। अगर इसी तरीके का दोगला सा जवाब देने की कोशिश की हुकूमत ने तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना, आप ये समझते हैं कि तहरीरी फैसले का हिस्सा ये रिमार्क्स इसलिए नहीं थे कि एक और चांस दिया गया है कि एक और मर्तबा हुकूमत अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सके? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है, उनको मौका दिया गया है, अगले हफ्ते इसके ऊपर फिर दोबारा हेयरिंग होगी, उस वक्त तक विफाक को अपना कोई ना कोई मुनासिब जवाब जो है तश्कील देना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो फिर मैं आप सारे देखेंगे। ठीक है बुखारी साहब, ये तो जिक्र हो गया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का, अब अगर बात करें आज फैसले के, एक और बहुत अहम फैसला होने जा रहा है लॉकडाउन का, एक पेज पर लग रहा है कि इस दफ़ा सूबों को लेकर आया जा रहा है विफाक की तरफ से और फिर एक यूनानिमस डिसीजन होगा, आपको लग रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या मुकम्मल लॉकडाउन जो जिस तरह से पहले किया जा रहा था दफ़ा 144 का नफाज और मुकम्मल, या फिर कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, लॉकडाउन जो होता है ये इंडेफिनिट नहीं होता, ये जो कोरोना वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन का। 14 दिन का लॉकडाउन करके आप डिटरमिन कर लेते हैं कि कौन से इलाके अफेक्टेड हैं, फिर उन इलाकों के ऊपर आप फोकस करते हैं और वहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते हैं। हमारे यहाँ 3 महीने से तो हम इस पर डिनाइल मोड में हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, और अगर आप करने जा रहे हैं तो मुझे बताइए मैं किसका गिरेबान पकड़ूंगा, ये जो वक्त आया किया आपने इसका कौन जिम्मेदार है? फिर अगर आज फैसला होने जा रहा है कि जी 14 दिन के लिए और लगेगा, एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड होगा, तो फिर जिम्मेदार कौन है जिसने ये नहीं होने दिया अब तक? बिल्कुल ठीक, लेकिन आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? मुझे यकीन है कि ये होगा, ये होना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया से निराले नहीं है, पूरी दुनिया में चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे अंडर डेवलप्ड है, चाहे डेवलपिंग है, एक सोल्यूशन है इस बीमारी का कि लॉकडाउन करके सोशल
تدبیر کیجیے اور علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کے اوپر فوکس کیجیے. پاکستان میں کوئی نرالی اپروچ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب؟ بالکل صحیح سلیم بھائی صاحب, لیکن ہمارے بہت سے وزراء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پاکستانی عوام کی امیونٹی اچھی ہے, اسی وجہ سے زیادہ کیسز بھی نہیں آ رہے اور ہم سروائیو کر لیں گے یہ پینڈیمک. پوری دنیا میں اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اس کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 ڈگری سے اوپر جائے گا, بٹ دس از ناٹ اے سولوشن, دس از ناٹ اے فائنل سولوشن. آپ کو اقدامات کرنے ہیں, آپ کو وہ ساری کیئرز اور سارے میئر جو ہے وہ لینے پڑیں گے, سارے پروٹوکول, سارے ایس او پی فالو کرنے پڑیں گے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہی از رائٹ, مطلب کچھ بھی پروون نہیں ہے کہ گرمیوں میں یہ وائرس ختم ہو جائے گا یا آپ سرٹن ایس او پیز فالو نہیں کریں گے تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ نہیں. میرے خیال میں جو لاک ڈاؤن کا وہ ذکر کر رہے تھے, لاک ڈاؤن تو کیا ہے 14 دن کا, صوبوں نے بھی کیا ہے, وفاق نے بھی کیا ہے, اور اب اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو یہ سوال ہے کہ ایکسٹینڈ مور دین 14 ڈیز. آج پنجاب میں 22واں دن ہے, لاک ڈاؤن تو کر رہے تھے, سندھ میں آبویسلی اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے. 22 تاریخ سے پنجاب میں لگا ہوا ہے 22 مارچ سے, تو مطلب لاک ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن اب اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے تاکہ مزید کیسز سامنے نہ آئے. تو اچھی بات ہے اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے, میرے خیال میں پھر بھی وہ بہتر ہوگا. بالکل صحیح, اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ہم, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کرونا کے حوالے سے, اس وقت چونکہ کرونا کے بہت سے پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ چونکہ کچھ لوگوں کو گلا خراب ہے, کچھ لوگوں کو فلو ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اکثر کہ کہیں ان کو کرونا تو نہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو دمہ جو ہے اس کا بھی شکایت ہوتی ہے, لنگس کی پرابلمز ہوتی ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں کرونا تو نہیں. تو یہ کرونا وائرس سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے آپ کے ریسپیریٹری سسٹم یا پھیپھڑوں کو اٹیک کرتا ہے, ابھی تک کی جو ریسرچ سامنے آئی ہے. اب ایسے میں ڈاکٹرز نے خاص طور پر ایسے پیشنٹس جن کو سانس کی تکلیف ہے, دمہ ہے, ایسما ہے, ان کے لیے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ لوگ تھوڑی سی زیادہ احتیاط کریں ایک عام آدمی کے نسبت. اور وہ احتیاط کیا ہے, انڈورس رہیں, لوگوں سے ملنا جلنا کم رکھیں, یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو اسٹرکٹلی فالو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صفائی کے لیے پورے ایس او پیز بنائے گئے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھوئیں, ہاتھ منہ کو ٹچ نہ کریں, کھانسی یا سنیزنگ ہو رہی ہے تو کونی سے اس کو کور اپ کریں, اور دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں تو یو کین سیو یور سیلف. اب ایسے میں اصل میں سائنس کیا کہتی ہے, بہت سی متھس ہمارے ذہن میں کھڑی بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی ہوگا تو یہ ہو جائے گا, یہ بھی ہوگا تو یہ ہو جائے گا, اس پر ہم بات کریں گے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر کامران چیما موجود ہیں, پلمنالوجی اور آئی سی یو ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور کے ہیڈ ہیں, انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. اور پلمنالوجی ایکسپرٹ بھی ہیں آپ, ابھی جو ریسرچ اب تک آئی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا سانس میں دشواری کا سبب بنتا ہے, دیٹ مینس کہ وہ لنگس کو اٹیک کرتا ہے, از اٹ ٹرو؟ اور اس میں جو دمہ کے پیشنٹ ہیں یا استھما کے پیشنٹس ہیں پھر وہ کس حد تک ایکسپوزڈ ہو سکتے ہیں زیادہ ایک عام آدمی کے نسبت؟ جی یہ وائرس پھیلتا بھی سانس کے ذریعے ہے, زیادہ آسانی سے, ہاتھوں سے بھی پھیلتا ہے لیکن زیادہ آسانی سے یہ سانس سے پھیلتا ہے, اس لیے میں نے ماسک پہن رکھا ہے کہ آپ کو میرے اگر میرے میں ہے تو آپ کو نہ لگے. صحیح, تو سانس کے مریض آج کل ویسے سیزن ہے بہار کے دنوں میں اور پھر گندم کی کٹائی کے دنوں میں دمے کی جو ہے وہ بھی کیسز بڑھ جاتے ہیں, پولن سیزن اگر پولن سیزن بڑا کامن ہے. جی جی, بہار اور پولن اور اس کے بعد گندم کی کٹائی. لیکن ایک اور بڑی سانس کے مریضوں کے لیے جو خوشگوار بات ہے, جو اچھی بات ہے کہ ایئر کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے, ٹریفک رکنے سے ایئر کوالٹی اتنی بہتر ہو گئی ہے, پاکستان سوئٹزرلینڈ جیسا ہو گیا, سوئٹزرلینڈ جیسا انڈیکس ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے مریضوں کو اتنی دشواری نہیں ہو رہی اس سال سانس کی جتنی کرونا سے پہلے ہوا کرتی تھی. تو کرونا نے سانس کے مریضوں کو بلیسنگ ان ڈسگائز جیسا دی ہے کہ پولوشن کو اتنا کم کر دیا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ سانس کی بیماریاں اس طرح لوگوں کو پریشان ابھی نہیں کر رہی. ہاں ذہنی طور پہ کرونا کا ایک فکر وہم تو پیچھے بہت بڑا ہے, لیکن میرے خیال میں آن بیلنس دمے کے مریضوں کو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے اٹیکس کی شدت میں کمی پولوشن کے کم ہونے کی وجہ سے, جو کہ اور کسی طرح کم نہیں ہونی. تو ڈاکٹر صاحب اگر جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وبا میں یہ اس وقت بہتری ہے ان کے لیے تو اس کو اٹیک نہیں ہوگا, لیکن چونکہ وہ اگر پیشنٹ ہیں کوئی ازدما کا یا پھر اس سے علاوہ ان کو کوئی لنگس کا پرابلم ہے تو کیا وہ زیادہ جو ہے پرون ہے کہ ان کو کرونا ہو جائے, اس طرح کے کوئی چانسز ہیں؟ نہیں دیکھیے کرونا کے ہونے کا امکان تو شاید زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ کو دمہ ہے, لیکن اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہونے کا
अंदेशा है। अभी हमें कोरोना का इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हर साल जब ये वायरसेस की वबा फैलती है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, तो उसके वजह से दमे के मरीजों में अटैक्स होते हैं। हम हर साल अपने दमे के मरीजों को इन्फ्लुएंजा के ख़िलाफ़ तहफ़ के लिए वैक्सीन भी रिकमेंड करते हैं। दमे के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों में जबकि ये वहम ये फिक्र ये प्रॉब्लम चल रही हो कि वो अपने हिफाजती इन्हेलर ज़रूर लेते रहें, ठीक है। वो कुछ पेशेंट्स जब ठीक होते हैं तो अपने इन्हेलर्स का इस्तेमाल कम कर देते हैं, लेकिन जो इन्हेलर्स प्रिवेंटिव इन्हेलर्स हैं जिसमें स्टीरॉयड इन्हेलर्स हैं उनका इस्तेमाल इन दिनों में जारी रखें, ताकि आपको कम से कम ये दमे के फ्लेयर होने का, अगर अटैक किसी को इन्फेक्शन हो भी और दमा कंट्रोल्ड हो तो कम, क्योंकि दमे का अटैक हो जाए तो हमें स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं और हम वायरल इन्फेक्शंस में आजकल स्टीरॉयड्स अवॉइड करना चाहते हैं, तो दमे के फ्लेयर को रोक लिए इन्हेलर्स का बाकायदा इस्तेमाल जो है वो और भी लाजमी हो गया इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं उन लोगों पर जो, एक तो हम दमे के पेशेंट की बात कर रहे थे, बट इन जनरल भी लोगों को फटीग होती है या सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, सो आजकल तो ये तीन चार अलामत ऐसी हैं कि बड़ी डेंजरस हो गई हैं। आप हल्का सा भी खांसते हो तो सब लोग आपको ऐसे घूर के देखते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। सो लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी चले जाते हैं, ज़रा सा सांस फूल गया आपका, सांस की डिफिकल्टी हुई, आपने फ़ौरन से वो जो है वो स्प्रे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या मेडिसिन शुरू कर दी, ये किस हद तक डेंजरस हो सकता है? अगर तो किसी को पहले से दमे की तकलीफ रही है और उसको किसी डॉक्टर ने इन्हेलर को प्रिस्क्राइब किया है, तो बहुत से पेशेंट्स भी और बहुत से डॉक्टर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोन पे ही व्हाट्सएप पे लोगों को मशवरा दे दें कि उन्हें आना ना पड़े और वो उसको करें। अगर किसी को पहले कभी एक प्रॉब्लम नहीं हुई और अब सांस की दुश्वारी शुरू हो गई है तो वो इन्हेलर लेके इस्तेमाल करना शुरू करे तो वो तो शायद इतना मुनासिब नहीं, किसी के मशवरे से ही करना चाहिए, चाहे वो मशवरा फेस टू फेस हो चाहे वो मशवरा फ़ोन पे हो सके। मेडिकल ओपिनियन डेफिनेटली मैटर, वो तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ओवरऑल अगर बात की जाए, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड ही आपकी फील्ड है पाकिस्तान में, जिसने हमने पहले जिक्र किया कि अस्थमा के पेशेंट्स तो एक तरफ, ओवरऑल रेस्पिरेटरी जो बीमारियां हैं वो किस हद तक कुछ अरसे में बढ़ी हैं और उसकी वजह इस ये वबा के अलावा और क्या हो सकती है? क्या आपके कोई पर्सनल जो आपके आदत होती हैं खाना पीना, इसमें कुछ होता है इससे रिलेटेड? देखिए सांस की बीमारियों का सबसे बड़ा वजह तो माहौलियाती आलूदगी है, ठीक है, तो वो तो मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो तो क्वालिटी बेहतर हुई है और हमारे पेशेंट्स के सांस भी बेहतर हो गए, तो ये तो साबित हो गया कि वो हमारी वजह से था। अब हम इंशाल्लाह ये कोरोना की वबा जब ख़त्म हो जाएगी, जो लोग उसके बाद कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि ये पोल्यूशन और मतलब सवाई पोल्यूशन की लंग्स की बीमारियों की और कोई वजह नहीं होती, कई वजूहत हैं लेकिन ये तो एक मैन मेड वजह है ना। जी जी, और यही एक वजह है कि मेजर यही है कि जो 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 हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है, ठीक है, बाहर के मुकाबले में, तो अब आई थिंक उसके ऊपर भी अभी से गौर होना चाहिए कि जब लॉकडाउन खुलना है तो उस वक्त अचानक से सबने सड़कों पर आ जाना, गाड़ियाँ लेके दौड़ानी, गाड़ियाँ तो क्या किया जाए, सोचने की बात है, माशरे के लिए सोचने की बात है। बिल्कुल सही। अच्छा आप हेड ऑफ आईसीयू भी हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, अब ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के पेशेंट्स जिनमें स्वेयर सिम्टम्स हों या उनको सांस लेने में तकलीफ हो तो उनको एक तो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत भी रहती है, फिर उसको इंटेंसिव केयर में रखना भी ज़रूरी होता है। अभी तक सर्विसेज हॉस्पिटल में कितने इंटेंसिव केयर में पेशेंट्स हैं और ये क्यों ज़रूरी है, वेंटिलेटर्स क्यों ज़रूरी हैं, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। दो सवाल हैं, एक साइंसी सवाल है, एक दूसरा। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो डेजिग्नेट किए हैं कोरोना फैसिलिटीज़, उसमें न्यू हॉस्पिटल, PKLI और फिर सर्विसेज, तो अभी ये गवर्नमेंट वाले ख़ुद हेल्थ मिनिस्टर साहिबा इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं और वो और उनकी टीम ये तयन कर रही है कि किस पेशेंट को किस फैसिलिटी में जाना है। मुझे ख़तरा ये है कि अगर ये न्यूयॉर्क या लंदन की अगर आप अदाद व शुमार को देखें तो अगर ये बीमारी यहाँ खुदा ना खास्ता उस तरह बढ़ी तो फिर तो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ शायद उसके लिए काफ़ी ना हो गए। ख़तरा ये है इसमें बेटा कि अगर आप एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को आईसीयू में रखें तो वो बाकी पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमने सर्विसेज हॉस्पिटल में क्या किया है, हमने आज से इंशाल्लाह हमारा कोर्स ख़त्म हो रहा है, हमने अपने आईसीयूज तमाम, हमारा मेडिकल आईसीयू है, सर्जिकल आईसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू है, नियोनेटल आईसीयू है, कुछ 6 आईसीयूज़ हैं हमारे पास सर्विसेज में,
वो सारे तमाम इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं, चल रहे हैं। हम उनमें से किसी आईसीयू में भी कोरोना या सस्पेक्टेड कोरोना नहीं डाल सकते। देखें आधे पेशेंट्स का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, बिल्कुल और उन्हीं के साथ होते हैं जो पेशेंट, आधे पेशेंट और जिनका पॉजिटिव भी आता है टेस्ट टाइम लेता है। हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज इतनी नहीं कि रैपिडली इसका कोई टेस्ट रैपिड टर्नओवर नहीं आया, तो उस दौरान आपने पेशेंट को कहीं संभालना है। तो हमने फैकल्टी सर्विसेज हॉस्पिटल की, सिम्स की मिल के, हमारे प्रिंसिपल साहब की विजन थी कि हम एक ऐसा वार्ड क्यों ना बनाएं कि जिधर हम इन तमाम सस्पेक्ट्स को, और ये मोटिवेट हुए हमारे अपने कॉलीग हैं, उनके भाई को ये हुआ एंड वो अनफॉर्चुनेटली इस इन्फेक्शन से सर्वाइव भी नहीं कर पाए, फिर वो कोरोना है कि नहीं है, कोरोना फैसिलिटी में जाए कि नहीं जाए। कोरोना फैसिलिटी में गए तो टेस्ट नेगेटिव आया तो उन्होंने कहा इधर से वापस चले जाएं, दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि, तो उससे हमने सोचा कि एक हम ऐसी फैसिलिटी बनाएं कि जहां हम वो तमाम हिफाजती एहतियातें करें जो हम कोरोना पेशेंट में करते हैं, हर पेशेंट पे करें। जैसे मैं आपके ऑफिस आया हूँ तो मैंने देखा कि हर कोई यहाँ पे हैजमेट सूट पहन के फिर है, तो क्यों ना ऐसा आईसीयू हुआ, सारे डॉक्टर ने कुछ अपने दोस्तों से, दोस्तों की मदद से, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता बट पीपल हैव बीन वेरी जेनरस, और कुछ डॉक्टर्स को मोटिवेट करके इंशाल्लाह इस हफ्ते में तो उस एक डेडिकेटेड फैसिलिटी को शुरू करें। उसमें सस्पेक्टेड पेशेंट्स होंगे सिर्फ? हमारा इरादा है कि जिस भी पेशेंट पे डॉक्टर को शक हो कि उसे सांस की खराबी है और आईसीयू की जरूरत है और वो कोरोना हो सकता है, अभी पता नहीं क्या, उसको आप साइड पे कर देंगे, उसके लिए हमें एक अलग आईसीयू ही बना दिया ताकि वो बाकी पेशेंट से ना मिले, बाकी पेशेंट से मिक्स ना करे और उसकी केयर भी सफर ना करे, शायद उसे कोरोना ना हो। ठीक है, देखें आप दमे की बात कर रहे हैं। कल लाहौर में एक जो केस आया, एक 35 साल शख्स, उससे जब रिलेटेड लोगों के टेस्ट किए गए और जुड़े हुए लोगों के, तो 39 लोगों को उसने इन्फेक्ट किया बिकॉज ही डिडंट नो कि उसको कोरोना पॉजिटिव है, उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसका पॉजिटिव आया और इर्द गिर्द के लोगों का किया तो तकरीबन 39 लोग जो है वो उससे इफेक्ट हुए। तो अगर आप दैट्स हाउ इट स्प्रेड, दैट्स हाउ, तो अगर वो शख्स हॉस्पिटल में हो, ये तो कम्युनिटी में जिन लोगों को हुआ वो तो डेंजरस होगा, हॉस्पिटल में वल्नरेबल लोग हैं, कमजोर हैं, ऑलरेडी पेशेंट इम्यून सिस्टम कमजोर हैं, जो आईसीयू में हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। बाहर जो सुपर स्प्रेडिंग हुई कोरोना की इटली में, वो तब थी जब उन्हें मालूम नहीं था कि ये है क्या बीमारी और ये कैसे फैलती है, तो लोग अस्पतालों में आए और फिर अस्पतालों से बहुत ज्यादा ये फैला। देखिए यूएसए में भी अब आप देखें कैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर वन पे चला गया यूएसए, हालांकि उन्होंने पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर दिए थे, लॉकडाउन भी उनको पहले ही अनाउंस हो गया था, इटली आउटब्रेक के फौरन बाद यूएसए में लॉकडाउन नहीं हुआ था, कुछ स्टेट्स में हुआ था जैसे एलए को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, मेरे बच्चे वहाँ हैं तो मैं डेली उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया था और उनके सदर भी बड़े कैजुअल रहे थे इस बारे में, और उधर के एक्सपर्ट्स कुछ कहते थे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट कुछ और करती थी, तो ये हमेशा मसला रहता है कि चीज़ों को पॉलिटिकल कर दिया जाता है, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो और चीज़ें भी सोचनी होती है ना, तो यूएसए में भी यही क्या होंगे जी, उस वजह से वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब लॉकडाउन रोकना चाहते हैं और एक्सपर्ट्स उनको समझा रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स को एक तरफ कर देंगे, क्या उनके लिए क्वारंटीन बनाया जा रहा है या फिर उनके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी फर्क है आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन में, क्योंकि अगर कोई है सस्पेक्टेड, अगर उसके साथ कोई है तो उसको भी तो हो सकता है। वो गवर्नमेंट ने क्वारंटीन सस्पेक्टेड लोगों के लिए आइसोलेशन और क्वारंटीन की अरेंजमेंट किया, मैं उसमें नहीं पढ़ा, हम तो अपने पेशेंट पर भी हम जिन पेशेंट्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं ऑलरेडी अस्पताल में आ रहे हैं और हम उनको भी सीरियसनेस की वजह से आईसीयू में रखना चाहते हैं लेकिन एग्जिस्टिंग आईसीयू में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि उनको हम एक सेपरेट बिल्डिंग है, नेगेटिव प्रेशर है, पर्सनल प्रिकॉशंस हैं, डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स हैं, टेली मॉनिटरिंग है, हमारे दोस्तों ने जिन्होंने भी हमने अप्रोच किया प्राइवेट सेक्टर में, मैं उनके नाम नहीं लूंगा बट पीपल आर वेरी जेनरस, जिसकी वजह से हम विद इन अ वीक इसको, एंड आई थिंक अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा, और अपनी अपनी कैपेसिटी में जब सब लोग काम करते हैं तभी एक बिगर पिक्चर जो है वो सामने आती है और सॉल्यूशंस निकलना शुरू होते हैं। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, और हमें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजिम, जहाँ पर परेशानी है कोरोना से रिलेटेड, वहीं पर कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं, और उसकी रीज़न ये है कि हमेशा ब्राइटर साइड पे देखना चाहिए कुछ कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। और ऐसा ही हुआ, डाउ यूनिवर्सिटी के माहरीन ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन्होंने एक तरीका इलाज जो है वो ऐसा तैयार किया है जो दुनिया पर सबकत ले किया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर, जहाँ जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। डॉक्टर जवाब शमसी ने जिस तरह से रिसर्च की पैसिव इम्यूनिटी पर, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में फॉलो उसको किया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह डॉ यूनिवर्सिटी में जो ये इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन का तारुफ कराया गया है कि इसको हम अगर मुतारफ़ करवा दें तो उससे इलाज में बेहतरी आएगी, उससे हम इलाज जल्द कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगी, पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। आई फील सो प्राउड कि दुनिया भर में जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है वहीं पर पाकिस्तानी जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहकर इन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमारे करंट सिनेरियो को देखते हुए इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि जो प्रोफेसर शौकत अली हैं, रिसर्च टीम के सरबराह हैं, जिन्होंने ये पूरा मैथड जो है वो डिस्कवर किया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ फ्यूजन्स और इनोवेशंस भी की जा रही हैं, तो असल में ये सारा तरीक़ेकार है क्या? 24 की टीम ने कल उनसे स्पेशली बात की और उनसे जानने की कोशिश की, तो सबसे पहले उनसे हमने ये पूछा ये तरीका इलाज है क्या और इसमें पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं? इस वक्त टाइम ऑफ क्राइसिस है, कोई दवा जो है वो जो अप्रूव मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं है कोरोना वायरस के खिलाफ। दुनिया अपनी अपनी कोशिश हर तरफ जारी रखे हुए, कुछ लोग ट्रीटमेंट मोडालिटी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो वैक्सीन की प्रिपरेशन पे काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पैसिव इम्यूनाइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो इस टाइम में जब क्राइसिस का टाइम होता है, एपिडेमिक का या पेंडेमिक का टाइम होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है और जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो उसकी सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता, उस वक्त हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए प्री मेड एंटीबॉडीज़ देते हैं। तो ये जो मेथड है हमारा, ये प्यूरिफाइड एंटीबॉडीज़ का मेथड है, जिसमें हमने सेहतियाब जो पेशेंट हो गए जो कोरोना वायरस से, उन सेहतियाब पेशेंट से एंटीबॉडीज़ हासिल किए और उनकी एक फॉर्मुलेशन बनाई है, और वी आर एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन मेडिकल लिटरेचर और जो अवेलेबल है, जो साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है और जो एक्सपर्ट कॉमेंट्रीज होती रही हैं पिछले 10 से 20 दिन में इस मेथड के बारे में, उसकी बेसिस पे हम सेफली कह सकते हैं कि ये तरीका इलाज इंशाल्लाह मौसर साबित होगा। ये वैक्सीन नहीं है, मगर वक्ती तौर पे पेशेंट जो मौजूद होंगे आईसीयू में या जो क्रिटिकली इल पेशेंट होंगे, उन पेशेंट के जो है वो जान बचाने के काम आ सकेगा। तो प्रोफेसर शौकत अली ने जिस तरह से जिक्र किया है पैसिव इम्यूनिटी का भी उन्होंने जिक्र किया, सीबल उन्होंने ये भी बताया कि इस दवा से जो है बेहतरी आएगी। अब हम पूछेंगे कि कब इससे जो दवा है उससे मर्ज का जल्द खात्मा भी मुमकिन है, तो उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं? ये दोनों मैथड पैसिव इम्यूनाइजेशन के मैथड हैं, प्लाज्मा का यूजेज और प्लाज्मा से एंटीबॉडीज प्यूरीफाई कराने का मैथड, दोनों जो है मैथड जो है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन की मैथड है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब टाइम ऑफ एमरजेंसी होता है एंड देर इज़ नो वे कि आप उन एंटीबॉडीज़ को प्यूरीफाई कर सकें, उनको दे सकें, तो वो एक एमरजेंसी मेथड है। IVIGs भी एमरजेंसी टाइम में इस्तेमाल होता है, मगर इसका एक एडिड एडवांटेज ये है कि जो नॉर्मल सिनेरियो में भी आप डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट जो देखते हैं वो भी IVIG बेस्ड होती हैं, यानी ये FDA अप्रूव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। प्लाज्मा जो है वो टाइम ऑफ एमरजेंसी में पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब किसी को टेटनस का डर होता है, जब किसी को रेबीज़ का डर होता है या किसी और डिजीज़ में या एंटीस्नेक वेनम में, तो उन लोगों को जो है वो हम पैसिव इम्यूनाइजेशन जो देते हैं वो प्लाज्मा की नहीं देते, बल्कि वो दी जाती है प्यूरीफाइड एंटीबॉडीज़ की, और इसीलिए इसका एडवांटेज उसके ऊपर जाहिर है मौजूद तो हैं, मगर इस वक्त जो है जो टाइम ऑफ क्राइसिस है उसमें चाहे प्लाज्मा काम करे चाहे प्यूरीफाइड एंटीबॉडीज़, जहां पर जो चीज़ अवेलेबल है उसको वहां पर इस्तेमाल होना चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। इस वक्त दुनिया भर में COVID-19 के बारे में जो मालूम है वो इंतहाई महदूद है, तो कोई भी शख्स किसी भी चीज़ को गारंटीड ये नहीं कह सकता कि दिस विल वर्क दिस विल नॉट वर्क, इट विल बी अ मैटर ऑफ ट्रायल, सो एवरीथिंग शुड बी गिवन वॉट एवर इज इंडिकेटेड शुड बी गिवन अ चांस टू गो एंड बी असेस्ड।
प्रोफेसर शौकत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया कि दो तरीक़ेकार हैं, एक जो डॉक्टर ताहिर शम्स की हमेशा से बात कर रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी की, दूसरा ये जो इन्होंने तरीका इलाज निकाला ग्लोबुलिन वेनल ग्लोबुलिन के जरिए। अब इसमें फिर हमने डॉक्टर साहब से अगला सवाल ये पूछा कि क्या WHO FDA या कोई भी आलमी अदारा इसको अप्रूव करता है इस तरीक़ाकार को, ख़ास तौर पर COVID-19 के लिए, या अगर कर्ज करेगा या वो मुस्तनद करार दिया जाएगा तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इस पर उन्होंने क्या कहा आपको दिखा दें? देखें, जो हमारे वसाइल हैं उस और जो कौम की मोटिवेशन है उसके हिसाब से हर शख्स में ये इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के लोगों की क्या मोटिवेशन है, वो किस तरह, मतलब वो कितने मोटिवेटेड हैं, कितने वसाइल उनको दस्तियाब हैं। हम कराची में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, हम तो हो सकता है ये बात कर सकें कि हमें हर चीज़ मैसर है, मगर दूर दराज की यूनिवर्सिटी जो नई खुली हैं, जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ज़रूरी नहीं कि ये तमाम के तमाम सहूलियात भी दस्तियाब हों, लेकिन जो जिसके बस में है मैंने देखा वो कर रहा है। मैं इसी चीज़ से मोटिवेट हुआ कि कोई बहुत दूर दराज की यूनिवर्सिटी है KPK की, तो वहाँ पे लोग हैंड सैनिटाइज़र बना सकते, तो उन्होंने वो काम शुरू किया। तो हम जो है वो किसी को ये नहीं कह सकते। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ने, मैं देख रहा हूँ वहाँ से भी प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, हम भी उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फेस शील्ड के लिए कह लें, आप जिस भी चीज़ के लिए बात कर लें, लोग सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कौम मोटिवेटेड है, जिसके पास जो चीज़ है वो उससे कौम की खिदमत करना चाहता है। कुछ लोग सिर्फ मैसेजेस दे रहे हैं, मैंने देखा कि जो फैशन डिज़ाइनर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च में भी जो लोग मौजूद हैं वो मतलब जो है वो अपने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसे वक्त में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, शौकत अली साहब ने, मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू ही आप सिबल इसका इलाज कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान में अब तक रिसर्चेज हुई हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान मेडिकल साइंसेज में काफ़ी तरक्की कर सकता है आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि जिस तरह एंथुजियास्टिक हमारे डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। पोटेंशियल हमारे पास है, क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, ब्रेन की कमी नहीं है। आप देखें दुनिया भर में बड़े बड़े इदारों में पाकिस्तान साइंसदान, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि हमारी स्टडीज, हमारी रिसर्च, हमारी क्रिएटिविटी में कहीं कमी नहीं है, असल में हमें सिर्फ रिसोर्सेज में कमी आती है। बट अब लिमिटेड रिसोर्सेज में जहां दुनिया काम कर रही है वहीं पर हम भी काम कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसके साथ जिस तरह से डॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यू मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है वो, उनको भी अब सर्टिफिकेशन मिल चुकी है पेशावर में कि वो भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। नर्स ने ऑलरेडी किया, कराची में ऑलरेडी काम हो रहा है ब्लड डिजीज के रिसर्च सेंटर्स में। तो मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर ये काम किया जा रहा है, एक तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया सीमन, उसके साथ ये डेवलपमेंट होगी, ये भी आ जाएगी पूरी दुनिया की नजर में। अगर इनको इस तरह से फंड्स मिलते हैं, रिसर्च को फायदा मिलता है, रिसर्च को सपोर्ट मिलती है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रो करने में बेहतर में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज जो रिस्पॉन्स कर रही है गवर्नमेंट या इदारे, वो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा रैपिडली रिस्पॉन्स किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, हर चीज को टैकल करने के लिए टाइमली काम किया जा रहा है। आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल, और ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह आइंदा चंद दिनों में मजीद सामने आएंगी, कोरोना से हम जल्द जो है निजात पालेंगे अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स की मदद से इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इस मुल्क में गंदम हो, कपास हो, शुगर हो, तमाम जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनका अपना अपना सीज़न होता है। इसीलिए इस वक्त एक बहुत अहम बात है जो कि हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि अभी गंदम की कटाई जो है उसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर तरीके से वो कटाई का आगाज़ नहीं हुआ क्योंकि मजदूर अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, मजदूर अवेलेबल नहीं है, कटाई हो भी जाती है तो उसको उठाने के लिए, गोडाउन्स तक पहुंचाने के लिए, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें डिफरेंट लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो डेली वेजेस, वो किसान से लेकर डेली वेजेस से होते हुए मिडलमैन से होते हुए फिर वो फैक्ट्री को या उस मिल को इन्वॉल्व करते हैं। अब ऐसे में गंदम की कटाई शुरू नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं कहीं गंदम की कटाई हुई है तो फिर खुराक सेंटर नहीं खुल पा रहे हैं जहां पर वो गंदम पहुंचाई जानी है। फिर उसके बाद जाहिर है मुश्किलात का शिकार हो रही हैं काश्तकार, किसान, क्योंकि पूरा उनका प्रोसेस रुका हुआ है और इसे जैसे कहते हैं ना सुनहरी दौलत
कहा जाता है, और अगर अब वो नहीं पहुंच पा रही और जरा सा भी इस प्रोसेस में डिले हुआ तो उसके बाद अबूजर जो गंदम के बाद आटे का प्रोसीजर है और वो आटा सप्लाई और फिर आवाम तक पहुंचना, ये पूरा एक प्रोसेस बुरी तरह मुतासर अगर ये टाइमली ना हुई कटाई तो जिसे कहते हैं ना कि किसान का सोना होता है, ये सोना जाया हो सकता है। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, लॉकडाउन के साथ साथ इसको मैनेज करें। इसी को कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, कि स्मार्ट तरीके से आप लॉकडाउन करें, जो जरूरी काम है वो भी करने हैं साथ साथ। तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर डिसाइड कर ले इससे पहले के लेट हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर इसी हवाले से हमारे साथ खैरपुर से हमारे रिपोर्टर भी मौजूद होंगे, क्योंकि सिंध में सीजन ज्यादा पहले थोड़ा सा शुरू हो जाता है तो वहां पर तो कटाई प्रॉपरली शुरू हो चुकी। पंजाब में अभी इफ्तिताह हुआ लेकिन उस तरह से जोर शोर से कटाई जो है वो अभी शुरू नहीं हो पा रही। हमारे साथ वकार हुसैन मंगी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि खैरपुर में इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या कह रहे हैं किसान काश्तकार। जी वकार बताइएगा सूरत हाल क्या है खैरपुर में। जी बिल्कुल, खैरपुर में गंदम पककर तैयार हो गए लेकिन लॉकडाउन की वजह से मजदूर ना मिलने का जो यहाँ के जो काश्तकार है वो शदीद परेशान है। काश्तकारों का कहना है कि एक तो गंदम तैयार हो गए, ऊपर से जो है मजदूर नहीं मिल रहे, जिसके बाद हम शदीद परेशान है। हमने कर्जा उठाकर जो है यहाँ पर जो है अनाज बोया था। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कई कई इलाकों में यहाँ पे जो है गंदम की कटाई तो हो गई लेकिन यहाँ पे जो है फूड सेंटर अभी तक नहीं खुला। खैरपुर में जो है 56 फूड सेंटर बनाए गए लेकिन अभी तक एक भी नहीं खुला गया। यहाँ पे हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना, उनको कितनी मुश्किलें दरपेश आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आज जो सिचुएशन में हमारी सिंध गुजर रही है और उसके बावजूद और इतनी निगलिजेंसी सिंध गवर्नमेंट की, मैं क्या बताऊँ आपको। 56 सेंटर खैरपुर में खोले गए हैं फूड के हवाले से और परचेजिंग के हवाले से, और मैं आपको कहूंगा कि 56 में से एक भी सेंटर अभी फॉल नहीं है। सब के सब जो है ना अपना रीफॉल नहीं हुई है अभी तक, कोई भी सेंटर फॉल नहीं हुआ है। और जो हमारे DFC साहब हैं, खैरपुर के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब हैं, उनको किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है। बारदाना है, बारदाना भी अपने मनपसंद और सियासी लोगों को दिया जा रहा है, और हमारा ये अपना गंदम का जो जखीरा है एक तरफ पड़ा हुआ है मगर कोई उठाने के लिए, कोई भी सेंटर उठाने के लिए, खरीद करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को मैं अपील करूंगा कि खुदारा, वैसे ही सिंध के बुरे हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, आप इस गंदम की चीज़ों को कुछ ध्यान दें। ये बेसिक नीड है इंसानियत के लिए, इससे ना हो कि आगे चल के कोई एक बड़ा अलमिया जन्म ले और उसमें सिंध के आवाम को फिर परेशानी का और एक और सामना करना पड़े। खुदारा होश के नाखून ले। जी बिल्कुल, आपने काश्तकारों की बात सुनी। खैरपुर में 56 सेंटर है लेकिन इस वक्त एक सेंटर भी फंक्शन नहीं किया गया है। खैरपुर जिला में जहाँ जहाँ भी जो है गंदम की कटाई गई है तो वो गंदम वहीं पर ही पड़ा है और कहीं कहीं इलाकों में गंदम की कटाई नहीं हुई क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे। तो यहाँ के काश्तकारों ने जो है वजीर सिंध और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बंद पड़े हुए सेंटर वो खोल दिए जाएँ ताकि हमने जो गंदम की कटाई की है तो हम जो है वो गंदम बेच सके। और किन ने यह मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है लॉकडाउन ख़त्म किया जाए ताकि हमें मजदूर मिले और हम जो है ये गंदम की कटाई कर सके। जी वकार, थैंक यू सो मच। एंड इट सीम्स लाइक कि सिर्फ मजदूरों का प्रॉब्लम नहीं है, खुराक सेंटर अगर फाल नहीं हुआ तो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, ये जो सोना हम जिक्र कर रहे हैं ना काश्तकारों के लिए अभी परेशानी का बायस है, उसके बाद हम सबके लिए हो जाएगा जब आटा अगर प्रोसेस टाइमली नहीं होगा और मार्केट में। तो इसीलिए वक्त से पहले डिसाइड कर लें इससे पहले कि देर ना हो जाए। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हेडलाइन जाने फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि इस वक्त सिचुएशन हमने ओवरऑल देखी पूरी दुनिया में, इस वक्त सपोर्ट किया जा रहा है अपनी आवाम को क्योंकि कोरोना है। इसी तरह पाकिस्तान, जिस हद तक पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी आवाम को सपोर्ट कर रही है वो भी अपनी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। कुछ आवाम में से ही कुछ अच्छे लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, मुख्य हजरात होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जो कि इस वक्त सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, वो है तबका प्राइवेट स्कूल मालिकान। जी प्राइवेट स्कूल मालिकान का, और थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का सा एक्सप्लेन कर दें, और वो ये था कि कोरोना सिनेरियो में जब सूबों की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि लॉकडाउन किया जाएगा, फिर लॉकडाउन के बाद ज़ाहिर है स्कूल्स को बंद कर दिया गया और ज़्यादा अरसे के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद ये डिसीजन आया कि स्कूल जो है वो इन तमाम महीनों की फीस जो है वो 20% कम करके लेंगे, जिस पर निजी स्कूल जो फेडरेशन है वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि हम फीसें कम नहीं करेंगे और गवर्नमेंट हमें गाइड नहीं कर सकती कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, और अदालत जाएंगे। और फिर ये हुआ कि जब वो अदालत गए तो वहाँ पर भी उनको शिकस्त और रसवाई का सामना ही करना पड़ा क्योंकि अदालत ने भी गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट किया और ये कहा कि ये जो जितनी फीसें कम हुई हैं आपको ये डिसीजन मानना पड़ेगा। कुछ रिमार्क्स
بھی آئے اس حوالے سے اور بڑی وہ انٹرسٹنگ کہ واپس آپ چلے جائیں اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ جب یہ فیصلہ ہو تو کہیں 50% آپ کو فیس نہ کم کرنی پڑ جائے. تو یہ ہے ایٹیٹیوڈ پرائیویٹ اسکول مالکان کا. تو پھر ایسا آخر ہوا کیوں, کیا آخر مسئلہ ہے, کیا گورنمنٹ اس پر امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہی ہے یا پھر پرائیویٹ اسکول مافیا کیا واقعی ایک مافیا ہے جسے ہم کہتے ہیں, لیکن کیا پرائیویٹ اسکول مالکان کی جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پر ظلم کیا جاتا ہے, ہمیں ٹیگ کیا جاتا ہے, ہم نے اس طرح سے کبھی کیا نہیں, ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, ہمیں سنا نہیں جاتا, یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیرنٹس ایکشن کمیٹی کے چیئرمین محمد ایوب صاحب, صدر ہیں. ایوب صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پیرنٹ وقت دینے کے لیے. اوور آل سچویشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک جانب حکومت فیصلہ کرتی ہے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہیں, پرائیویٹ اسکول اس طرح سے اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, آپ لوگوں کے لیے جو فیور دی جاتی ہے وہ کبھی نظر نہیں آئی ہے, کیا وجہ اس کی؟ سب سے پہلے تو کرونا کے خاتمے کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل کی گھڑی سے سارے عالم انسانیت کو نکالے, اور دوسرا یہ کہ پیک فاؤنڈیشن آپ لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے, اسپیشلی ان میڈیاز کو جو ایجوکیشن کے اوپر اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں, اور یہ اسٹیٹ کے لیے اس ملک کے لیے آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کیوں نہیں گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن کرتا, تو دیکھیں جی اسٹیٹ بہت اسٹرانگ چیز ہوتی ہے, اسٹیٹس اپنے فیصلے منوانا جانتی ہے اگر وہ منوانے پہ آئیں. تو بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ 6 اپریل کو مراد راز صاحب نے ہمیں کال کیا, میٹنگ کی کہ ہم آپ کو 20% کا ڈسکاؤنٹ لے کے دے رہے ہیں اور یہ بڑی مشکل سے ہم آپ کو لے کے دے رہے ہیں, تو ہم نے اسی وقت ان سے یہ کہہ دیا کہ ہم اس طرح کے ڈسکاؤنٹ کو نہیں مانتے, آپ سب سے پہلے ہمیں ڈسکاؤنٹ کی بجائے اس کی بجائے ہمارے اربوں اور کروڑوں روپے اسکول مافیا کی طرف اویلیبل ہیں, ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, جیسا کہ جو جیسا کہ 12 جون 2019 کو فیصلہ آیا, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 2017 جنوری سے پیرنٹس کے جتنی بھی ایکسیس لی ہوئی فیسیں ہیں وہ کائنڈلی آپ فل فوراً پیرنٹس کو واپس کر دیں, وہ اماؤنٹ کروڑوں اور اربوں روپے میں ان کے پاس ہے, اب وہ واپس کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں سب سے جو مین جو قصوروار ہیں وہ ادارے ہیں, حکومتیں ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں, امپلیمنٹیشن ان اداروں نے کرانا ہے, کیونکہ اس کے اندر کچھ بلیک شیپس ہیں اور وہ میں آپ کو شو بھی کرا دوں گا. لیکن میں دوسری یہ بات کروں گا کہ پیٹرول پہ 15 روپے کا ریلیف دیا گورنمنٹ نے, پیٹرول پمپ ایک پرائیویٹ بزنس بھی ہے, لوگوں کے پاس لاکھوں ہزاروں لیٹر پیٹرول اویلیبل تھا, راتوں رات ہی کم ہو گیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو, انہوں نے آہ تک نہیں کی, مشکل گھڑی ہے, ایوب صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, انہیں بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم کاشف مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام. کاشف مرزا صاحب لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا کہ عدالت جائیں گے لیکن عدالت سے بھی اپیرنٹلی ریلیف نہیں مل سکا, اور یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ نظر ثانی اگر کی تو 15% بھی ہو سکتا ہے اور 50% بھی ہو سکتا ہے, اور اس ڈیسیجن کو برقرار رکھا جو گورنمنٹ نے کیا. اب یہاں پر ہمارے ساتھ پیرنٹ ایکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے پنجاب میں, اس کے صدر بھی موجود ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولس نے کبھی ریلیف نہیں دیا, اس سے قبل بھی جو عدالت کا فیصلہ تھا کہ ایکسیسو فیس واپس کی جائے ابھی تک وہ بھی پیسے واپس نہیں کیے گئے, تو اب یہ جو 20% کم کی جا رہی ہے آپ تو اول مان ہی نہیں رہے ہیں, لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو کیوں یہ رفٹ کیوں ہے پیرنٹس اور پرائیویٹ سکولز کے درمیان؟ پہلی تو بات یہ جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اسلام آباد کی حد تک ہے, اور یہ پنجاب کے اندر تو اس قسم کا کوئی نوٹیفکیشن ہی نہیں ہوا, اور بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر لا قانونیت کی انتہا یہ ہے کہ ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک پتہ خوری کا انداز ہے اور بدماشی کے ساتھ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے, ہمیں تو اپنے اداروں کو دروازے کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور یہاں تو قانون کا عالم یہ ہے کہ ایک سی ایم جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر رہا ہے اور جو ہمارا ایجوکیشن منسٹر ہے مراد راز وہ ڈنڈے کے زور پہ اس ٹویٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بات کرتا ہے, اور حالت یہ ہے کہ دروازے تو اسکول تو اپنے کھول نہیں سکتے, ان کو اجازت نہیں ہے, اگر کسی نے کھولے وہ چاہے ملتان تھا, سیالکوٹ تھا, گجرانوالہ تھا, ٹیچرز کو اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی. تو یہ پہلی بات میں ذرا کلیئر کر دوں کہ جس کیس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ اسلام آباد کی حد تک ہے, لیکن پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی کاشف صاحب یہ امپلیمنٹ کروا دیا نا, پریس کانفرنس بھی کی ہے, بالکل پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور یہ کہہ دیا کہ 20% کرنی ہے, کچھ اسکولز آپ کے پنجاب میں پاکستان میں ایسے ہیں, آئی تھنک پچھلے کیس کا ریفرنس دے رہے ہیں, اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیس چلتا رہا اضافی فیسوں کا, بہرحال زیر بحث وہ
केस नहीं है, केस तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है 20% कम करने का, वो हम यही तो कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन जारी को करें तो फिर उसको मानने और ना मानने का सवाल पैदा होता है। और ऑब्वियसली हमारा एक लीगल राइट है और हम उस लीगल राइट को एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो बात बार बार की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को माना गलत है, हम बहुत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली दो मुख्तलिफ केसेस के अंदर समर वेकेशन की फीस का मैकेनिज्म भी बताया है, ना सिर्फ मैकेनिज्म बताया बल्कि उन्होंने उसको कैटेगोरिकली ये भी कहा है पेरेंट्स के ऊपर कि आप ही पाबंद हैं कि बरवक्त फीस अदा करेंगे और हम भी उसको मानते हैं। और यही हम कहते हैं कि आर्टिकल 18 हमें ये राइट देता है और 1984 का जो ऑर्डिनेंस है वो भी इस बात की उत्ताजी है कि किसी किस्म की फीस के ऊपर कट करने का उनके पास इख्तियार नहीं है, लिहाजा जो कुछ गैर कानूनी है उसके ऊपर किसी भी सूरत में कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। और यही हम तवक्को करते हैं कि पेरेंट्स से यही तवक्को करते हैं अपनी इंतजामिया से कि वो कानून के दायरे में रह के अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएगी तो हम लाजमी उनका साथ देंगे। आशिफ साहब, आप जो मैकेनिज्म बनाएं जो भी बात हो वो बात की बात है, कभी कभी मैकेनिज्म कब बनेंगे यहाँ पे मामला और होते हैं। अभी सिचुएशन ये थी कोरोना के हवाले से इमरजेंसी थी, जिस तरह से अयूब साहब हमारे साथ हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त कोरोना की वजह से इमरजेंसी है, तमाम बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, तमाम लोग अपने जेब काट कर लोगों की सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, वो जो आपने ऐलान किया था पिछले हमारे प्रोग्राम में 5 करोड़ देंगे, ये देंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग वॉलंटियर्स फोर्स देंगे, वो चाहिए नहीं है। चाहिए ये था कि पेरेंट्स को ओवरऑल सपोर्ट दी जाती है, 20% बहुत से स्कूल ने किया है, बीकन है, लकास है, सिटी है, दीगर स्कूल हैं जो कि पूरी लाइन में लगे हुए हैं। उसका जिक्र तो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन ने अपने ट्वीट में भी किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस पूरी चेन को कि आप उनकी जेबों पे डाके डालें और दोस्त और बदमाशी और गुंडागर्दी जो है वो कोई भी आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर आपको चाहिए तो आप ऑन बोर्ड करके आप बिठा के आप मशावरत के साथ ये करते हैं, ना कि ये कहते हैं कि पेरेंट्स को लड़वाएं। और ये अल्फाज के मुराद आप कहे कि अगर आपको ये रिवाइज बिल नहीं दे रहे तो आप बिल्कुल कोई चीज जमा ना कराएं, और भाई चीज को हम सब जमा करवाएं या पेरेंट कराएंगे जब आप स्कूल को खोलने की इजाजत दोगे। ये लॉजिक मुझे आपकी समझ नहीं आती है और इवन आम आदमी को भी समझ नहीं आती है। जहां मिल्स बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, लोगों के कारोबार बंद है, आप मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि स्कूल के दरवाजे तक नहीं खोलने दिए जा रहे, तो लॉकडाउन है और इसका एक मतलब है, एक ऐसा भी है। पेरेंट्स का आपने जिक्र किया तो ऑब्वियसली पेरेंट एक्शन कमेटी के जो सदर है वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका इस पर क्या कहना है उस पर भी बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भत्ताखोरी की तरफ जा रही है या गवर्नमेंट जबरदस्ती ये करना चाह रही है और एक रिफ्ट जो है वो कायम कर रही है पेरेंट्स और स्कूल्स के दरमियान, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये रोल प्ले कर रही है? ये बिल्कुल आपने सही वॉच किया, क्योंकि हम समझते हैं कि हम इतने सालों से इस एजुकेशन अफोर्डेबल एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको ये तो एक मुश्किल घड़ी है जिसके अंदर हमें सबसे पहले अपने बच्चों और वालदेन के लिए उनकी नीड्स को देखना है। अभी तो एजुकेशन को आप एक साइड पे कर दें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपने सही गेस किया है कि इस पोलिटिकल जो फोर्सेज हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमती अरकान हैं और ये प्राइवेट स्कूल हैं, ये दोनों का एक मिली वक्त है पेरेंट्स के सामने सिर्फ ये बातें। आप मुराद राज साहब के हमारे साथ 6 अप्रैल को मीटिंग की है, उन्होंने मैनेजमेंट को मनवाया ना, आप मान रहे हैं गवर्नमेंट की, इवन पेरेंट्स भी एतमाद जाहिर नहीं कर रहे गवर्नमेंट का, इस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात आपने तो सीधा सीधा कहा कि गवर्नमेंट पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं हमें कोई सपोर्ट वो नहीं कर रहे हैं कि अंदर से वो आपके साथ हैं। मिले हुए बात सुने जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट वो जो हटाने के लिए अब पूरी दुनिया में हुआ है। आपने ये अगर हम बाहर की दुनिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के भी अंदर बात कर रहे हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, उन्होंने अगर स्कूल बंद करवाए हैं तो उन्होंने उसको खुद पे किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप काशी साहब क्या सब्सिडाइज कर रहे हैं? सब्सिडाइज कर तो दिया, स्कूल बंद है ना, आपको बिजली का बिल आएगा, ना गैस का बिल आएगा, ना पानी का बिल आएगा, इसके साथ आपको ये भी दे दिया कि 3-3, 6-6 महीने की आपको जो यूटिलिटीज में वो भी किस्तें दे दी हैं, तो किस किस्म की आपको सब्सिडी चाहिए? सिर्फ आपको ही सब्सिडी चाहिए, पेरेंट्स को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए? इन्होंने तो हमें एवरेज बिल देते हैं,
आप देखें तो सही, लॉकडाउन को जाके देखें, एवरेज बिल ने कोई हमें नहीं, हमने टीचर्स की तनख्वाहें देनी है, हमने 2 लाख स्कूल हैं उनके फीस भी तो मिल रही है ना, 80% फीस मिल रही है, 20% आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि अगर आप रिलीफ के लिए, और खासतौर पर उन पेरेंट्स के रिलीफ, आपने मुझे याद है लास्ट टाइम जिक्र किया था 2,000-2,500 वाले स्कूल, तो आपको पता होना चाहिए कि उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप क्या करते हैं, और अगर उनके कारोबार नहीं चल रहे तो वो किस तरह फीस पे करेंगे। जो वो स्कूल है जो कि सब्सिडाइज कर उनको किया जाना चाहिए, क्या दुनिया में नहीं हो रहा ये, इन्होंने नौखा करने मतलब हुकूमत सब्सिडाइज करे और प्राइवेट स्कूल अपना मुनाफा नहीं छोड़ेगी आप और प्राइवेट स्कूल मुनाफा भी नहीं अनाउंस करेगी। इस वक्त ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर से हमने 10 करोड़ तक का एक फंड क्रिएट किया जिसका नाम है कोरोना एजुकेशनल रिलीफ फंड। जो बच्चा भी डिजर्व करेगा, जो पेरेंट डिजर्व करेंगे, वो हमें उस पर एप्लीकेशन दे और हम उसके उस तमाम तालीमी कफालत हम खुद कर रहे हैं। ये तो है उन लोगों के लिए जो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व नहीं करते उनको आपके पास की जो है वो बात कर रहे हैं। फीस ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन डिजर्व करता है या नहीं? क्या आपके पास कोई कार्ड है जिससे आप डिफाइन कर सकेंगे कि ये डिजर्विंग है और ये नहीं है? क्या आप जज करेंगे? प्राइवेट स्कूल जज करेगा? प्राइवेट स्कूल हम फंडिंग कर रहे हैं ना उनको, ये तो मैं आज कह रहा हूँ कि जो अच्छा काशिफ साहब जिस तरह से आपने जिक्र किया भी आपसे दोबारा बात करनी है, ये 20% वाला मामला क्या है? रेशो होती है हर बिजनेस में, 50% कॉस्ट है, ऊपर प्रॉफिट है, किस तरह से एक्सपेंडिचर होते हैं, आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि 20% जो है उसमें से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा? अयूब साहब एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, सारे स्कूल्स ऑन द सेम कर रहे हैं, कुछ आपको रिस्पॉन्स आ रहा है हुकूमत के इस फैसले से, क्योंकि कुछ स्कूल जिस तरह हमने जिक्र किया उन्होंने कम किए फीसें, कुछ मजीद भी आ रहे हैं? नहीं जी, अभी तक तो कोई एस एच 1-1.5% हो गए जो आ रहे हैं। मैं तो काशिम मिर्जा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जिस तरह इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो कम से कम ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स तो पब्लिक कर दें। मैं ये इन्हें बताता हूँ ये कभी भी नहीं होगा। मैं आपको इस सेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि इस सेक्टर को बहुत सारे इस सेक्टर वाले पॉलिटिशियन बने और बहुत सारे पॉलिटिशियन इस बिजनेस में आए। ये आपको भी नामों का पता है, मुझे भी पता है, सारी पब्लिक को भी पता है कि वो लोग जो पहले इस एजुकेशन सेक्टर में बिजनेसमैन थे वो बाद में पॉलिटिशियन बने, जो पॉलिटिशियन थे वो इस सेक्टर में आए। इनके ऊपर कोई ऑडिट नहीं है, इनको आज तक ये पॉलिसी नहीं बनी कि ये अपनी बैलेंस शीट पब्लिक करें। अगर अभी गवर्नमेंट ने आपके सपोर्ट में ये डिसीजन लिया है आप उसको भी सपोर्ट नहीं, नहीं ये आप सपोर्ट में नहीं हुआ, ये सिर्फ ये सिर्फ मिली भगत है, कागजी हद तक है। ये दोनों माफिया जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये बड़े स्कूल चेनों के साथ मिले हुए हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करते। हम तो प्राइम मिनिस्टर मैं ये आपके तवज्जो से जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने चीनी आटा कर्जा माफी और पावर सेक्टर पे इंक्वायरी कमीशन बनाए हैं, काइंडली जो प्राइवेट स्कूल फी इंक्वायरी कमीशन भी बनाया जाए और इसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए आवाम के इनके सामने आएंगे। तो आप भत्ताखोरी का भी कह रहे हैं, आप गुंडागर्दी का भी इल्जाम लगा देंगे गवर्नमेंट पर कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस शीट वो मांग लें या आपका ऑडिट शुरू कर दें, आई थिंक तब तो फिर हाथ बिल्कुल ही आप खड़े कर देंगे। अभी 20% पर नहीं मान रहे आप, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया इनके बारे में, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि मंशा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड से इनके लिए स्कूल माफिया, जिस तरह ड्रग माफिया होता है इनके लिए सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक पेरेंट्स बिल्कुल नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे। और सुप्रीम कोर्ट में केस चले थे और उसमें स्कूलों के ऑडिट भी करवाए गए थे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। 25 मुख्तलिफ अदारे हैं जो हमें टैक्स लगाते हैं, हमें मॉनिटर करते हैं, हमें रेगुलेट करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं, किसी को अगर शक है तो जाते हैं उसको चैलेंज करें, अगर हम इलीगल हैं तो कानून के मुताबिक। काशी साहब एक सवाल है यहाँ पे आपसे पूछना है, यहाँ पे सवाल है आपसे ये पूछना था कि आपने कहा कि 20% पे नुकसान होना शुरू हो जाता है, कैसा ये बिजनेस है? मैंने आज तक जितने बिजनेसेस देखे हैं, सुना है, देखा है, पढ़ा है, 40 से 50% आपकी कॉस्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट मिलाकर, कोई भी रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, आपकी ट्रेडिंग हो, कहीं पर भी 80% आपकी कॉस्ट, 90% कॉस्ट नहीं होती है, ये कैसे आप बात कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है? ये तो इलॉजिकल बात है। ये बात तो कॉस्ट का आपसे मैं इसलिए नहीं बात कर सकूंगा क्योंकि आपको बिजनेस का पता ही नहीं है, एक तनख्वाहदार बंदे को नहीं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपके सवाल में बता चुका हूं, हम ऑलरेडी बिजनेस देख रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में 500 से ज्यादा बिजनेसेस है, सब पे आप 20% का कट लगाओ। सबसे पहले मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरे चीफ मिनिस्टर, मेरे मिनिस्टर, मेरे सेक्रेटरीज, मेरे एमएनएस, एमपीएस, जो सैनिटर्स हैं, इनको 20% कौन आके इनकी तनख्वाहों को कट लगे। अपनी तनख्वाहें तो असेंबलियों से बैठ के ये 4-4 गुना ज्यादा करवा रहे हैं। और हमारे जो जो डिलीवर बात फिर वही आ रही है, बात फिर वही आ रही है, बात फिर वही आ रही है कि आपको यहाँ पर कट और डोनेशंस लेने के नहीं है। वजीर आजम ने तो पूरी दुनिया से कहा है कि हमें कोई सपोर्ट करें क्योंकि हमारे पास सब्सिडी देने के पैसे नहीं है। बात यहाँ पर पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हो रही है क्योंकि उनका बिजनेस खत्म हो चुका है, उनकी नौकरियों में तनख्वाहें नहीं मिल रही है, उनको क्या आपने सपोर्ट करना है? ये सिर्फ आपसे सवाल पूछा। मान ले तो माफियत के साथ अगर ये डोंट और ये भत्ता हो रही है तो ये फिर बनाना रिपब्लिक है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद आपने ये कहा हम अदालत जाएंगे, अब अदालत से भी रिलीफ नहीं मिला और अदालत ने स्टैंड लिया उस डिसीजन के ऊपर, अब आप क्या करने जा रहे हैं? आपका डिसीजन क्या हो गया? क्या 20% रिलीफ देंगे या नहीं देंगे? क्लियर कट सिंपल एंड शॉर्ट आंसर। मैंने आपको पहले बता दिया है इस्लामाबाद की हद तक जो केस था उसका पंजाब के ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है और पंजाब ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कैसे ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके मुताबिक हम अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करेंगे और जो कानून कहता है, जो आईन कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो ऑर्डिनेंस 1984 कहता है, हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। आप जो अदालत पंजाब की अदालत, हाईकोर्ट भी, लाहौर हाईकोर्ट भी यही डिसीजन लेती है। अदालत तो अदालत है ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया, फॉलो करना पड़ेगा। अगर लाहौर की तरफ से भी आ गया तो फॉलो करेंगे, कोर्ट के डिसीजन मौजूद है ना, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के ऊपर है, लाजमन अगर अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो हमारे पास जो जो ऑप्शन है कानूनी, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। हम जो करेंगे कानून के ऐन मुताबिक करेंगे। लेमन लैंग्वेज में डिलेइंग टैक्टिक्स भी कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जाता, बल्कि इसको बत्ताखोरी कहा जाता है, बदमाशी गुंडा कहा जाता है। तो काजी साहब एक मिनट, आप जो है ना बत्ताखोरी का, आप बत्ताखोरी का मतलब जो है ना पहले डिक्शनरी में जाके देखिएगा क्योंकि आपको बत्ताखोरी का मतलब ही नहीं पता, सिर्फ पैसे कमाने का, माफिया बनने का मकसद पता लगे। अयूब साहब बहुत शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। अयूब साहब आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, ये जो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको भी एतमाद नहीं है गवर्नमेंट पर कि वो 20% रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, लेकिन फिर उसमें कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी तो होता है ना कि अदालत में केस चल रहा होता है, फिर गवर्नमेंट भी बोल नहीं पाती है उसमें। क्या लग रहा है आपको कि ये 20% रिलीफ एक्चुअली पेरेंट्स को मिल पाएगा? मुझे तो इस वक्त इस दफा इस डिसीजन में गवर्नमेंट की नीयत साफ लग रही है। देखिए जी, गवर्नमेंट की नीयत मुझे अभी भी साफ नहीं लगी। अगर आप ऐसी बातें करेंगे, मैं आपको सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, 6 तारीख से नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं मैं ये मेरी बात सुन ले सर, मैं बिल्कुल आगे कौन सा मेरा, मैं अदालतों से हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सर, ये देखो, मैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बात करते हैं, रियासत मदीना की बहुत बात करते हैं, तो जो स्कूल जो फेडरल मिनिस्टर हमारे हैं शफकत महमूद, उनकी अहलिया 10 सालों से पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कूल के अंदर एक अहम मुद्दे पे फाइज है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सारी दुनिया तरक्की सिर्फ तालीम के साथ करती है। आज हमारे फर्स्ट टाइम हमारे बजट में एजुकेशन में 50% की कट लगी, ये लास्ट बजट में पंजाब बोर्ड में कट लगाई, आज तक रेगुलेटर नहीं बन सकी आज तक रेगुलेटरी बॉडी। नंबर दो, एजुकेशन, मेरी बात देखें, ये चीजें क्या है, ये चीजें हम पेरेंट्स को कंफर्टेबल करती है ना। पंजाब फूड अथॉरिटी पे आपने प्रोग्राम्स किए, कोई बंदा अदालत एजुकेशन पे बहुत प्रोग्राम किए, मुझे ये बताइए कि पंजाब फूड अथॉरिटी पे आपको एजुकेशन इस पे प्रोग्राम करने को कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा? क्यों? कि वहां पे कोर्ट के धक्के नहीं है, उन्होंने दूध फेंक दिया तो वेस्ट हो गया, वो उसके ऊपर कोई एक्शन अथॉरिटी बनी हुई एक्ट बना हुआ है पंजाब में, एजुकेशन नहीं, आपका मतलब है नहीं बनी हुई, इसको रोक दिया गया है। किसने रोका? पहले शफकत महमूद है, 50% हम पॉलिटिकल एलिगेशन क्यों ना लगाएं, इस मुल्क को पॉलिटिकल भाग दौड़ने लेके आगे चल रहे हैं। पता है क्या होगा, फिर आपकी जो पेरेंट एक्शन कमेटी है ना, ये भी पॉलिटिसाइज हो जाएगी, फिर आपके जो जेन्युइन मुतालबात है ना वो भी कोई नहीं सुन रहा। हम मुतालबात नहीं, हम लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इस मीडिया के तवज्जो से हम बातें तो बता सकते हैं कि आपकी आंखों में धूल धोली जा रही है। रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनी, रेगुलेटरी अथॉरिटी आज तक नहीं बनी। दैट्स अ जेन्युइन कंसर्न।
ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जब तक नहीं होगी क्योंकि वो फिर प्राइवेट को रोक नहीं सकेंगे। पेट्रोल पंप्स वाले गए कोर्ट में नहीं जा सके। ऑगरा बिल्कुल रेगुलेटर होना चाहिए इसके अंदर। बजट जो 50% कटा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एजुकेशन में तो हम इस साउथ एशिया में सबसे नीचे हैं। बांग्लादेश 1971 में हुआ हमसे आगे निकल गया, हमसे आगे निकल गया, इंडोनेशिया हमसे तो वो नहीं बना। कोई फी स्ट्रक्चर मैम डिजाइन नहीं है। आज आप एक स्कूल खोले, आप अपने स्कूल की फीस सुबह 30,000 प्ले ग्रुप की रख दे, नोबडी कैन आस्क यू व्हाई यू मेक 30,000। ये कंसर्न्स आपने पेरेंट्स के सुने, वो भी गवर्नमेंट पर एतमाद की, आप समझते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या आप इसके हक में हैं? ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज वर्किंग। इसको तो डीआरएस भी बन चुके हैं, 1984 के ऑर्डिनेंस मौजूद हैं, फिर बोर्ड हमें 1978 के तहत हमें डील करता है, 1986 के तहत जो कमीशन हमें डील करते हैं, इसके अलावा कमर्शलाइजेशन के एक्ट मौजूद हैं, इसके अलावा जो हमारी जो एक्साइज है उन कमीशन पर। काशिफ साहब आप बड़े जबरदस्त तरीके से जानते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली अफेक्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या आप मानेंगे अगर आपके ऊपर बना दी जाए तो? नहीं मानी हुई है जी, मजीद कितनी बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, बनी हुई है, अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता ठीक है। एक बात काशिम मिर्जा साहब से करना चाहूंगा, ये अगर कौम के साथ सिंसियर है तो ये बता दें कि अगर एक पेरेंट ये जिस रेगुलरिटी डीआरए की बात करते हैं, अगर मुझे कोई स्कूल से प्रॉब्लम है कि मेरा स्कूल मुझे फिक्स शॉप से बुक्स दे रहा है, एक्ट में ये लिखा हुआ है कि वो फिक्स शॉप पे नहीं मुझे रेजर, मगर एप्लीकेशन डीआरए में दूंगा तो वो फैसला करेंगे। ये जवाब भी नहीं है उसके, ये तो खुद उसके नहीं, 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 आप आते हैं इसलिए कह रहे हैं कितनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी है कौम के लिए, कुछ मैं आपको बताता हूँ डीआरए में अगर मैंने एप्लीकेशन दी है तो मेरे एप्लीकेशन देने के बाद वो कहेंगे जी हम स्कूल को कॉल करेंगे, मुझे 2-3-4 तारीखें दी जाएंगी, उसके बाद उसका फैसला आएगा। आप भी समझते हैं सिस्टम फेलियर हर इदारे में है। अथॉरिटीज की जिक्र करें, एक काम की अथॉरिटी होना रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो इंप्लीमेंट करा दे, 10 किस्म की स्टेट बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑगरा है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, कोई केसेस कोर्ट में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्तन फवक्तन आपसे बात करूं कि अभी आप बार बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रेफरेंस दे रहे थे, फिर पंजाब में जब होगा, सिंध में जब होगा, तो फिर उस पर भी हम बात करेंगे आपसे और देखेंगे कि फिर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट जो है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना लगाए जाए, अगर सपोर्ट कर सकते हैं, कोई फंड दे सकते हैं या फिर पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें अपना हिस्सा डालें, क्योंकि कोरोना क्राइसिस है, इसमें सिर्फ अपने लालच को देकर अपने फिर जेब में पैसे भरने के लिए इतना होकर सोचना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा। एनीवेज ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। बैक, और जैसे कि हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले बिजनेस इफेक्ट कितने होते हैं, और कुछ लोग बिजनेस इफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, सीरियस नाराज हो गए थे क्योंकि देखिए बात ही गलत है ना, अब अगर आप गलत बात करेंगे तो फिर थोड़ी सी नाराजगी तो बनती है। एनीवेज बात इस वक्त हो रही है कोरोना की, कोरोना के बाद सिचुएशन क्या होगी, अभी से काफी मामला खराब है, मईशत खराब हो रही है, इसलिए हम पेरेंट्स के बारे से बात करते हैं, उनकी मईशत खराब है तो उनको सपोर्ट किया जाए, लेकिन कुछ और तरीकाकार भी हैं अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए, कुछ अपनी जॉब्स को बेहतर करने के लिए, कुछ वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत से लोगों के लिए, उसमें लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए। हालांकि बहुत सालों से डेवलप कंट्रीज इस पर काम कर रही हैं, लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, लोग अपनी इनोवेशन, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये इतना आम नहीं है। इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क को सीखें। स्मार्ट वर्क ये है कि कम वक्त में टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया अगर आप इसको फॉलो करें। बहुत ज्यादा खौफ है पोस्ट कोरोना सिनेरियो का, क्योंकि बात की जा रही है और ये खौफ गवर्नमेंट लेवल पर भी है, वज़ीर-ए-आज़म भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि इकोनॉमी पर जो इसको एक डस्ट पड़ेगी वो पूरी दुनिया में तो हिट कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या उसको सरवाइव कर पाएगा या नहीं, हमारी यूथ किस तरह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेगी। इकोनॉमी की बात हो रही है तो आजकल बहुत सी दुनिया में लोग ऑलरेडी प्री कोरोना में भी इनोवेटिव इकोनॉमी पे ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट नया है तो जाहिर है ट्रेनिंग की जरूरत भी होगी, प्लेटफॉर्म की जरूरत भी होगी और गाइडलाइन की जरूरत भी होगी, ऐसे में बहुत से लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और हमने कॉन्टैक्ट किया एक ऐसा ब्रांड जिसको हम सब गुडविन शानी के नाम से जानते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सालों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो डिजाइनिंग के हवाले से हो, वो डिजाइन थिंकिंग या इनोवेशन के हवाले से हो, और उस ब्रांड से हमारे साथ शानी और शाहनवाज चुगताई इस वक्त मौजूद हैं, जो अभी काम कर रहे हैं इनोवेटिव इकोनॉमी के ऊपर, डिजाइन थिंकिंग के ऊपर वो काम करना चाहते हैं और हमारी यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं कि कैसे हम पोस्ट कोरोना सिनेरियो सर्वाइव ही नहीं बल्कि बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं, तो उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज।
अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू सो मच शाहनवाज फॉर ज्वाइनिंग इन. यू बिलोंग टू फैशन इंडस्ट्री एंड देयर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड इंडस्ट्री, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस हब जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है. अब ऐसे में जब पोस्ट कोरोना सिनेरियो का सब जिक्र कर रहे हैं, इकोनॉमी को हिट पड़ा उससे जाहिर है फैशन इंडस्ट्री भी मुतासर होगी. डिजाइन थिंकिंग एक टर्म है जो दुनिया भर में बहुत लो लेवल पर उस तरह से यूज हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज पर कोई बात नहीं करता, कोई सोचता नहीं है. ये है क्या, कैसे ये हमारी यूथ को हेल्प कर सकती है? देखिए जी, डिज़ाइन थिंकिंग के ख़ास सब्जेक्ट है. वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी डिग्रीज और हायर एजुकेशन जो है इसके अंदर अवेलेबल है दुनिया में, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 30 मिनट में 15-20 मिनट में हर आम से आम शख्स जिसने चाहे पांचवी पास भी ना हो वो भी समझ सकता है. क्योंकि डिज़ाइन थिंकिंग का अगर दूसरे अल्फाज में पाकिस्तानी उर्दू या पंजाबी में अगर इसको समझना चाहें तो आप समझ लें कि हमारे यहाँ एक कल्चर है जुगाड़ लड़ाने का. तो हमारे यहाँ तो हर शख्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. हाँ, मैंने कहा कि ये जुगाड़ सिस्टम जो है ना ये हम सबको बड़े आराम से समझ आता है. जी जी बिल्कुल. तो आप ये समझते हैं कि वो जो जुगाड़ हम लड़ाते हैं सिर्फ अगर हम उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दें, यानी कि उसका एक पैटर्न बना दें, तो वही डिज़ाइन थिंकिंग है, वही इनोवेशन थिंकिंग है. यानी कि आप ये सोचें कि इंसान ने जब पहली दफ़ा आग लगानी थी तो पत्थर से कैसे आग लगा ली. वो पहले ऊँटों पर सफ़र करता था तो फिर उसने गाड़ी बना ली, गाड़ी से जहाज बना लिया और अब उसने पेट्रोल फ्री गाड़ी बना ली. तो ये सारा सब्जेक्ट जो है इसको कलेक्टिवली हम डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं. इसके थ्रू इनोवेशन इकोनॉमी ट्रिगर होती है. यानी कि एक इकोनॉमी एक इंडस्ट्री तो हम वो देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक स्टैक इंडस्ट्री है और 1920s का मॉडल है, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सालों से इनोवेशन इकोनॉमी ने जन्म लिया. पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी तैयारी नहीं है. ये दो मेजर फंक्शन करता है. एक तो ये नई इनोवेशन एक्टिविटीज को क्रिएट करता है, नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्रिएट करता है. शाहनवाज आप जिक्र कर रहे हैं इनके बिल्कुल बड़े फायदे हैं, बड़ी दुनिया को इसका पता है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि मेजोरिटी उसका नहीं पता, प्रॉब्लम यही पर है कि पाकिस्तान मेजोरिटी को नहीं पता. अब इस कम वक्त में हम अपनी आवाम को कैसे सिखा सकते हैं और फिर इसके बारे में पहले तो तालीम देनी, फिर उसके बाद उनको सिखाना और फिर इसका फायदा भी लेना, और ये बहुत कम वक्त में करना है, इसको कैसे करना है? जी, हमने इसके लिए अपने तौर के ऊपर अपने सारे ऑफिस को और अपने पूरे प्रेमिसेस को एक इनोवेशन लैब के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके तीन हिस्से हैं. एक इंडस्ट्री की ऐप है, एक स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स की ऐप है जो कि यंग स्टूडेंट्स भी हैं और यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, और एक तीसरी कम्युनिटी की ऐप है. सो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म करेगा क्या कि ये इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स लेगा, ये स्टूडेंट्स को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को डिज़ाइन थिंकिंग की माइंडसेट के लिए तैयार करेगा. सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर लें. इसकी कोई डिग्री, कोई स्किल, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या वो मामला नहीं है. हमने इसीलिए अपने तौर पे सेमिनार्स वेबिनार्स शुरू कर दिए हैं अभी से. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और देख सकें तो आपको वहाँ पे अंदाजा होगा कि मैंने अपने तौर पे ट्रेनिंग शुरू कर दी है. बाकी मैं और लोगों अच्छा, के वो साथ ट्रेनिंग हो गई, स्टूडेंट को हमने गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद क्या, हाउ डज दीज थ्री एप्लीकेशन कनेक्ट विद ईच अदर? जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक्चुअली साइलोज में यानी कि सेपरेट सेपरेट तो काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने वर्किंग फोर्स को जो कि पाकिस्तान में 62% से ज्यादा यंगस्टर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है लेकिन ये उतना ही बड़ा एक टाइम बॉम्ब रियलिटी भी है कि हमारे 62% लोग जो हैं वो एक्चुअली यंग हैं. सो उन यंग को हमने एक जगह पर कन्वर्ज करना है, और वो कन्वर्ज कहाँ करना है, वो हमने इनोवेटिव माइंडसेट के साथ इंडस्ट्री ड्रिवन डिमांड के अंदर कन्वर्ज करना है. सो अब एक ऐप इंडस्ट्री से डिमांड लेगी, वो अपनी हर वक्त उसके अंदर अपने पेन पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे, वो उसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि यार हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं. कोई मैन्युफैक्चरर है, अब इसके आसान तरीन अल्फाज में आपको ऐसे समझ लें कि एक मेडिकल का बच्चा है जिसने बड़े होकर डॉक्टर बनना है. जी जी. सिर्फ डिजाइन थिंकिंग का जब उसको एक्सपोजर भी मिल जाएगा ना, वो ये सोचना शुरू कर देगा कि यार मैंने रोबोटिक सर्जरी कैसे करनी है, ठीक है, या मैंने रोबोटिक सर्जरी जो हो रही होगी उसके अंदर इंडस्ट्री से हो गया आपको फायदा, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है. अच्छा, तो जो रिक्वायरमेंट है उसका प्लेटफॉर्म भी आप प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको कॉन्स्टेंटली अक्रॉस पाकिस्तान इसकी जो माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे. मेरा अभी सिर्फ मानना यह है कि अगर आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, जो कि 15-20 मिनट लगते हैं,
और माइंडसेट अगर चेंज हो जाए तो आपका तरीका कार चेंज हो जाता है। शाहनवाज, इसलिए भी आसान हो जाता है माइंडसेट चेंज करना जब लोगों को अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तो एक सिंपल सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या ये एप्लीकेशंस, ये जो पूरा एक सेटअप आप बता रहे हैं, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा? फॉर एग्जाम्पल, एक कोई क्रिएटिव राइटिंग में फ्रीलांसिंग मिसाल दे रही हूँ सिर्फ, कि कुछ लिखना चाहता है, जी, तो क्या उस एप्लीकेशन, उस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में उसके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग की अवेलेबल होगी ताकि वो अर्न कर सके? क्योंकि यहाँ माइंडसेट चेंज करना बड़ा आसान है, सिर्फ लोगों को ये बताना है कि आप इतने कमा सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। नहीं, ये माइंडसेट की चेंज नहीं है, आई एम सॉरी, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। ये एग्जिस्ट करता है एंड इट विल टेक इयर्स टू गेट इट आउट ऑफ पीपल्स हेड। देखें, एक तो ये कि वो जो हमारी तीसरी ऐप है जिसका मैंने आपको बताया, कम्युनिटी ऐप, कम्युनिटी ऐप कर ये रही है कि जो हम स्टूडेंट्स या जो वर्किंग प्रोफेशनल हमारे डेटाबेस में आ रहे हैं, हम उनको कम्युनिटी ऐप के थ्रू इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जॉब्स के लिए भी और फ्रीलांस असाइनमेंट्स के लिए भी। ये बिल्कुल एक्चुअली थर्ड ऐप ये काम कर रही है। लेकिन वैसे मैं आपको ये बताता चलूं कि माइंडसेट की जो चेंज है उसका पैसे या कारोबारी अपॉर्चुनिटी से ताल्लुक नहीं है। डिजाइन थिंकिंग आपको घर में भी अपना खर्चा कम करने के लिए चाहिए, और ये हम रोज हमारे घर की औरतें, हमारे मर्द, हम सारे इंसान, बहैसियत इंसान अपना सारा दिन एक्चुअली डिजाइन थिंकिंग पहले से ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इसका बिजनेस में है या आप कैरियर वाइज इसकी आप ओरिएंटेशन देखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा सिंपल और सिंपल इसका जो हल है, या इसको आप समझ लें कि जो ये रिजॉल्व करता है, ये ह्यूमन सेंटर्ड बिजनेसेस डेवलप करता है। यानी कि आपको औरतों को पाकिस्तान में, शाहनवाज बड़ा अच्छा आइडिया है, ये भी बताइएगा इसके साथ साथ क्विकली कि क्या अगर किसी को कोई स्किल नहीं है तो वो भी आप फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी सिखा सकते हैं, या फिर वो टाइम टेकिंग ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखें हमारे जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म का प्राइमरी मकसद माइंडसेट के ऊपर काम करना है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है वो स्किल सेट के ऊपर काम करना है। सो हमारे ट्रेनर, हमारा पूरा एक जो लर्नर ऐप है उसके अंदर बैकएंड के ऊपर ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके दो हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा सिर्फ माइंडसेट पे काम करेगा और दूसरा हिस्सा में हम प्रोफेशनल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी ट्रेनिंग्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिश कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच शाहनवाज फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड आई थिंक कि हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है ताकि हम अपनी यूथ को एंगेज कर सकें, चाहे वो माइंडसेट चेंज में हो या अपॉर्चुनिटी, उसके बाद स्किल्स अगर सीख लें आप, जल्द जल्द जो है स्किल्स सीख लें और ये इनोवेटिव इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक वाइज तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये आप जरूर फॉलो कीजिएगा, इस तरह के बहुत से और आइडियाज हैं, इनको फॉलो जरूर करें। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बैरूने मुल्क मकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, वो वैसे ही फेवरेट हैं जब से वो इलेक्ट हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनका जिक्र ज़रूर करते हैं, उनसे बात ज़रूर करते हैं, और इस सिनेरियो में भी उन्होंने डायरेक्ट अपील की ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि वो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दें। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त ऐसा मामला है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो 8 अरब डॉलर सिर्फ इस वक्त सपोर्ट कर पा रही है। इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं, जो तरक्याता ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए जो है इस पर खर्च कर रहे हैं, 200 अरब डॉलर, 30 करोड़ डॉलर, 1 अरब डॉलर, तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें। तो ये सपोर्ट जो है उसका उन्होंने कल इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी और जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ उनसे भी उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट करें। मैं अपने सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर ये कोरोना का इतना बड़ा अजाब आया हुआ है, जो सारी दुनिया में आया हुआ है, और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हम सबको सारी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ है उसके जो असरात हैं, उससे बदकिस्मती से दुनिया में भी, लेकिन हमारे मुल्क में जिधर पहले ही हालात अच्छे नहीं थे, गुर्बत बढ़ रही है। तो मैं आप सबको ये जो चाहता हूँ कि मेरे जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है इसमें पैसे डालें। अमरीका, जिसकी 30 करोड़ आबादी है, उसने 2,200 अरब डॉलर का रिलीफ अपने लोगों को दिया है 30 करोड़ आबादी पे। पाकिस्तान, जिसकी 22 करोड़ आबादी है, हमने जो टोटल अभी तक पैसा जमा किया है रिलीफ के लिए वो है 8 अरब डॉलर। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज आप शिरकत करें, इस रिलीफ फंड में पैसा डालें।
تو وزیراعظم عمران خان نے جو اپیل کی ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ کمیونٹیز کی طرف سے, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس میں آگے آ رہی ہے. اینڈ ڈونٹ وری, یہ ٹائم بھی گزر جائے گا اور پھر ہم واپس اپنی نارمل زندگی کی طرف انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا.